हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं आप सबके साथ में शेयर करूंगी बहुत ही सिंपल और बहुत ही टेस्टी आलू सूजी से बना बहुत ही टेस्टी नाश्ता। और साथ ही मैं आप सबके साथ में शेयर करूंगी एक बहुत ही स्पेशल सी चटनी जो कि स्नैक्स के साथ में बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगती है, इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम चटनी बना के तैयार करेंगे। तो यहाँ मैंने आधा कप दही लिया है और साथ ही मैंने ली है बेसन की सेव। आप यहाँ पर किसी भी सेव का इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा टीस्पून लेंगे काला नमक और आधा टीस्पून लेंगे रेगुलर नमक जो आप रोज़ के खाने में इस्तेमाल करते हैं। अब मैंने लिया है आधा मुट्ठी हरा धनिया, 2 से 2.5 इंच लेंगे अदरक का टुकड़ा, 6 से 7 कलियां लेंगे हम लहसुन की, आधा टीस्पून लेंगे जीरा और 4 से 5 हम हरी मिर्चें लेंगे। यहाँ पर आप तीखा अपने हिसाब से ले सकते हैं। अब लेंगे ग्राइंडिंग जार और इसमें हम ये सभी चीज़ें डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें दही डाल देंगे, नमक डाल दें, सेव डाल देंगे, आधा कप पानी डाल देंगे और इसका ढक्कन लगाकर हम इसे फाइन पेस्ट बना लेंगे। और ये देखिए यहाँ पे ये मज़ेदार सी चटनी बनके तैयार हो चुकी है। आप इस चटनी को 15 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। तो अब हम स्नैक्स बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने 2 बड़े साइज़ के आलू ले लिए हैं, ये कच्चे आलू हैं। अब आलूओं को छिलका हमें उतार लेना है। तो यहाँ मैंने छिलका उतारने के लिए पीलर का इस्तेमाल किया है, इससे काम जल्दी हो जाता है। आप चाहें तो नाइफ से भी कर सकते हैं। और यहाँ मैंने दोनों आलूओं को छील लिया है। अब हम इन दोनों आलूओं को पानी में धो लेंगे। यहाँ मैंने इसे धो लिया है और अब हम इसे साइड में रख देते हैं और एक प्लेट लेंगे। उसके बाद हमें ये मीडियम वाला ग्रेटर लेना है और ग्रेटर से हम आलूओं को ग्रेट करेंगे। और ये देखिए यहाँ मैंने आलूओं को ग्रेट कर लिया है। आलूओं को हम पानी में धो लेंगे, 4 से 5 पानी से आप इसे धो लीजिएगा क्योंकि आलूओं में काफ़ी स्टार्च होता है और जब हम इसे धोएंगे तो इसका सारा स्टार्च निकल जाएगा और स्नैक्स जो है वो बहुत ही परफेक्ट बनेगा। और आप देख सकते हैं इसका कलर, पानी कितना गंदा हो गया है। तो इसे 4 से 5 पानी से अच्छी तरह से धो लें। और ये देखिए मैंने इसे 4 से 5 बार पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और ये एकदम क्लियर हो चुका है, आप देख सकते हैं ये देखें। और अब हम इसे साइड में रख देते हैं। अब मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स लिया है। चिली फ्लेक्स से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और ये देखने में भी अच्छा लगता है। आधा टी स्पून लेंगे नमक, आधा टीस्पून लेंगे जीरा और 2 टीस्पून हम लेंगे यहाँ पे सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल बहुत ही फायदेमंद होता है तो आप इसे ज़रूर डालिएगा। अब मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून भर के कसूरी मेथी ली है, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। और 1 कप भर के हम यहाँ पे बारीक वाली सूजी लेंगे। तो अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने एक पैन लिया है और इसमें हम 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल को चारों तरफ फैला दें। और अब हम इसमें ये तिल और चिली फ्लेक्स डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें 2 कप भर के पानी डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दें। मुझे यहाँ पे पानी कम लग रहा था इसलिए मैंने 1 कप और डाला है। अब हम पानी में बॉईल आने देंगे। अब हम इसमें ये कसूरी मेथी डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिला देंगे। पानी में जब हल्का सा बॉईल आ जाएगा तब हम इसमें चलाते हुए सूजी डालेंगे। ध्यान रहे आप इसे चलाते हुए सूजी डालिएगा वरना इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी। अब हम इसे 4 से 5 मिनट तक पका लेंगे।
अब हम इसमें ग्रेट किया हुआ आलू डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिलाकर इसे पकाएंगे। आलूओं को यहाँ पे ओवर कुक ना करें, क्योंकि जब हम इसे स्नैक्स को फ्राई करेंगे तभी आलू पूरी तरह से पक जाएंगे। और यहाँ पे ये बनके तैयार हो चुका है। अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। तो इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा कर लेंगे। उसके बाद हम इसकी स्नैक्स बनाएंगे। और ये देखिए यहाँ पे ये अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है, तो अब हम इसके स्नैक्स बना लेते हैं। तो डो में इसे थोड़ा सा पोषण लें और इसे इस तरीके से घुमाते हुए बॉल बना लें। यहाँ मैंने इसे बॉल बना लिया है। अब इसे आप इस तरीके से प्रेस कर दें, टिक्की का शेप दे दें। उसके बाद अपनी उंगलियों में तेल लगाने के बाद इसे इस तरीके से प्रेस करें। जिस प्रकार हम मेदू वड़ा बनाते हैं उसी प्रकार आपको बना के तैयार करना है। ये देखें, इसी तरीके से हम दूसरा स्नैक्स बनाएंगे। थोड़ा सा पोषण लेंगे और इसकी हमें एक छोटी सी बोल बना के तैयार करनी है। इसकी एक टिक्की बना लें। उसके बाद दोबारा से उंगलियों में ऑयल लगाएं और इसे इस तरीके से शेप दे दें। इस तरह से आपको सारे स्नैक्स बना के तैयार करने हैं। और ये देखिए यहाँ पे मैंने सारे स्नैक्स बना के तैयार कर लिए हैं। तो अब हम चलते हैं इसे फ्राई करने के लिए। तो यहाँ मैंने ऑलरेडी ऑयल गर्म कर लिया है। अब हम एक एक स्नैक्स इसमें डालते जाएंगे। एक बार में आप उतने ही फ्राई करें जितने कढ़ाई में आए, वरना ये आपस में चिपक जाएंगे। और जब ये एक साइड से फ्राई हो जाए तभी आप इसकी दूसरी साइड को टर्न करें। तो इसे हम दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पे ये दोनों तरफ से फ्राई हो चुका है। अब हम इसे एक झने में निकाल लेते हैं। और ये बहुत ही क्रिस्पी बने हैं, आप इसकी आवाज़ सुनिएगा। सुना आपने कितने क्रिस्पी बने हैं। इसी तरीके से हम दूसरा बैच फ्राई कर लेते हैं। और ये एक साइड से फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसे पलट देते हैं। और दूसरी साइड से भी हम इसका अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक इसे फ्राई करेंगे। और यहाँ पे ये फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसे भी ऑयल से निकाल लेंगे। तो अब हम चलते हैं इसे सर्व करने की तरफ। तो यहाँ मैंने इसे सर्व किया है स्पेशल चटनी और टमाटो केचप के साथ में। आपको जो चटनी पसंद है आप उसके साथ एंजॉय करिए, यह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। बच्चों और बड़ों को भी यह रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। तो आप एक बार इस रेसिपी को ट्राई करिएगा। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिएगा, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।